अरे ये नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड स्टॉक पर आपकी राय क्या है? जनवरी में स्टॉक का प्राइस 35-36 रुपए होता था और अभी 77-78 पर आ चुका है। एक कांस्टेंट स्टेलर मूव दिया है। हालांकि अर्निंग्स में हमने देखा था डिसअपॉइंटिंग रही थी, 40% के आसपास का डिप प्रॉफिटेबिलिटी में आया था, पर जो ये रन आया है, रन अप पिछले दो महीने में, इसे आप कैसे देखते हो और क्या करना चाहिए अभी? फ्रैंकली इवन अमंग द फर्टिलाइजर स्टॉक्स ये शायद सबसे स्टेलर मूवर रहा है। इसके काफ़ी न्यूज़ आ रहे हैं कि इन्हें एक बड़ा स्टेक सेल होगा, ये भी बात हो रहा है कि शायद देर विल बी वेरी पॉजिटिव फर्टिलाइजर पॉलिसी, बट फ्रैंकली आई थिंक मुझे ऐसा कोई रीज़न दिखाई नहीं दे रहा है कि यू नो व्हाई द स्टॉक शुड अप्रिशिएट बाय 100% इन अबाउट 1.5-2 मंथ्स। सो आई थिंक डेफिनेटली एज अ ट्रेडर मैं तो यही करूंगा कि हमारा एक रूल होता है कि इवन समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू देन इट इज प्रॉबली नॉट ट्रू, तो एज अ ट्रेडर मैं तो अपना प्रॉफिट्स निकाल ही लूंगा इसमें से। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ तो है कि इन लेवल्स पे आके ना मार्केट चैलेंजिंग है, और वो चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि आपको एक या दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स या फिर जिसे हम टिपिकली टॉप के पास मार्केट को जो इंजन्स की ज़रूरत होती है वो उसकी बहुत डेस्परेट रिक्वायरमेंट है मार्केट में। अब वो रिलायंस है, इन्फोसिस है, जब तक ये कंटिन्यू करते हैं तब तक मार्केट के लिए द स्टोरी इज़ गुड। लेकिन क्विकली आशीष, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। अभी संदीप ने जो ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स भी बताई, अब यू नो आई एम लिटिल परप्लेक्स्ड। एक तो चलिए नंबर के ऊपर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है दलाल स्ट्रीट पे, और वो होगा भी, इकोनॉमिस्ट आर ऑल्सो बिट कन्फ्यूज्ड जीडीपी के आंकड़े को लेकर। लेकिन ये जो अजम्पशन है ब्रोकिंग हाउसेस का कि रेट कट शुरू हो सकता है जुलाई अगस्त के बाद, देखिए नंबर के आधार पर अगर हम देखें तो आई डोंट थिंक आरबीआई विल बी वरिड। आपको डीमोनेटाइजेशन के बाद का जीडीपी आंकड़ा अगर 7% मिल रहा है, देन व्हाई वुड आरबीआई पैनिक एंड गो अहेड एंड कट रेट्स, जबकि वो खुद ही कह चुके हैं हमारा स्टांस न्यूट्रल है। आई थिंक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है। अब दो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में दो बातें हैं। एक जो आरबीआई का स्टैंड है वो क्लियर है, अगर कोई ब्रोकिंग हाउस आके बात बोलता है कि आने वाले समय में एक रेट कट आने वाला है, तो मैं तो उसको बहुत ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके चलूँगा। मुझे लगता है कि रेट कट का जो दौर है वो एक पॉज ले चुका है, अभी हम बात कर रहे हैं एट दिस मोमेंट वो पॉज ले चुका है, और अब वो जो यू नो पिछले 6 महीने से हम बात करते थे कि धीरे धीरे करके कट आएगा और ड्यूरिंग द ईयर ऐसे होगा, आई थिंक वो दौर अब ख़त्म हो चुका है, और काफ़ी कुछ क्लैरिटी गवर्नमेंट को आरबीआई को बहुत फ्रंट्स पे चाहिए बिफोर दे स्टार्ट दैट जर्नी अगेन, एंड इट विल टेक गुड 6 मंथ्स टू इवन 1 ईयर नाउ, एंड आई हैव नो डाउट अबाउट इट। नाउ द सेकंड पार्ट विच इज़ ऑन जीडीपी फ्रंट, हम आपके पहले आने से पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि कैसे जो इम्पैक्ट है वो अभी तो आपने भी बोला रिजल्ट्स के साथ साथ मैच नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट बात है। और आप देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज का नंबर कैसा रहा, उसके बाद आप चुनिंदा सेक्टर्स में कहीं आप ग्रोथ देखें, मुझे लगता है कि अब अगला जो नंबर जीडीपी आएगा वो एक सही कैलकुलेशन होगी। इस समय तो हमने काफ़ी ऑब्जर्व किया कि काफ़ी स्मार्टली बहुत सारे सेक्टर्स ने किस तरीके से अपने कैश को आगे बढ़ाया, कैसे बिलिंग्स हुए, और किस तरीके से यू नो जैसे ऑटो में हम बात करते रहे कि डीलरशिप लेवल पे माल गया लेकिन आगे सेल्स हुई कि नहीं हुई, उन सब फैक्टर्स की हिसाब से इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। मुझे लगता है ये आंकड़ा इनकरेक्टेड डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट को समझने के लिए इन वेरी सिंपल लैंग्वेज अब अगला वाला देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर भूली नहीं चाहिए, आपने ये जो इन्वेंट्री की बात की, यू नो आप एक तो जो ऑटो सेल्स के नंबर्स आते हैं जैसे आज भी जो नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं उस पर नज़र रहेगी मार्केट की, लेकिन आप रिटेल में भी अगर देखें जैसे दिसंबर में, आई रिमेंबर दिसंबर जनवरी में हमारी बात जब मारुति से हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि एट रिटेल लेवल ऑल्सो जो ऑटो बिक्री के आंकड़े थे दे वर बेटर देन द प्रीवियस ईयर। तो ये डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ मूविंग पार्ट, और इस पर थोड़ा हमें देखना होगा कि रिटेल लेवल पे आंकड़े कैसे आते हैं। लेकिन कम से कम जीडीपी को लेकर अब जिस तरह के आंकड़े इस बार आए हैं, भले ही वो अर्निंग सपोर्ट करे या नहीं करे, कंजम्पशन के नंबर सपोर्ट करे या नहीं करे, बट स्टिल अगर 7% के आसपास रहता है जीडीपी, आई थिंक ये सबसे बड़ा थीम और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दोनों होगा मार्केट के लिए। मार्केट खुलने वाला है और निफ्टी 24-25 पॉइंट ऊपर 8904 के लेवल पर, लेकिन हाँ लगता है थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। वो जो 9000 का लेवल है वो इट्स मे बी वो शायद बहुत जल्दी आपको ऑब्लाइज ना करे मार्केट इसके लिए, एटलीस्ट 11 मार्च को इलेक्शन के नंबर्स आने के पहले मार्केट में वाकई एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए होगा कि ये 9000 के लेवल को एक बार के लिए निकाल ले या फिर नया हाई एक बार के लिए निकाल ले, एंड देन इट टेक्स अ ब्रीदर
और नंबर्स को देखे इलेक्शन के, और उसके बाद आगे का मूव अपना डिसाइड करें। लेकिन 21 पॉइंट ऊपर इस बीच मार्केट खुला है, 8900 पर निफ्टी ठीक खुला है, 8903 का लेवल इस समय है, सेंसेक्स 82 पॉइंट ऊपर खुला है इस समय। गेनर्स को देख लेते हैं, ONGC 1.5% ऊपर है, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, BPCL, पावर ग्रिड, आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉप, एशियन पेंट्स और TCS, ये ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी अब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। जो लूजर्स हैं इसमें टेक महिंद्रा है जो कि 1.5% नीचे है, आइडिया सेलुलर 1% नीचे है, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अंबुजा सीमेंट्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर इस समय लाल निशान देखने को मिल रहा है। मतलब मिड कैप को और निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, बिकॉज आज बैंकिंग स्टॉक्स को एक बार देखते हैं। निफ्टी बैंक 90 पॉइंट्स ऊपर है इस समय और 20,700 का जो लेवल है उसके पार है। जो गेनर्स हैं इसमें फेडरल बैंक है, एक्सिस बैंक, यस बैंक, ICICI, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिला है। तो एटलीस्ट यहाँ पर ठीक ठाक गेन देखने को मिला है। और आज वैसे भी ब्रेथ भी अगर आप निफ्टी बैंक की देखें तो अच्छी है, एक भी काउंटर ऐसा नहीं है इस समय जो कि निफ्टी बैंक में लाल निशान में ट्रेड कर रहा हो। मिड कैप के गेनर्स को देखते हैं, मिड कैप इंडेक्स इटसेल्फ करीब 90 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। DLF ऑब्वियसली आज काफ़ी अच्छे गेन्स दे रहा है, करीब 2.5% ऊपर, तो जो हिस्सा बिक्री की खबर है वो काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट करते हुए। और गेनर्स में इंडियन होटल्स है जो कि 2% ऊपर है, जस्ट डायल अपना अपमूव कंटिन्यू करते हुए 1.5% ऊपर, GMR, पिडिलाइट, बाटा, वोक हार्ट, MRF, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिली है। एक बार देख लेते हैं मॉयल, NMDC इन स्टॉक्स को, क्योंकि मॉयल पर अभी मार्केट ओपनिंग से पहले ही खबर आई कि 15-25% तक के प्राइसेस उन्होंने कट किए हैं अपने प्रोडक्ट्स के। और हमने देखा भी था कि कांस्टेंट प्राइस हाइक के बाद ये सेकंड कंसेक्यूटिव कट NMDC ने मॉयल ने किया। इनफैक्ट और स्टॉक 3% नीचे 345 के लेवल्स पर ट्रेड करा है। NMDC एक स्ट्रॉन्ग कांस्टेंट परफॉर्मर रहा है। HSBC की आज एक रिपोर्ट भी आई जहां पर 160 के टारगेट्स की उन्होंने बात की, लेकिन उन टारगेट्स के बेहद नज़दीक ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है, वे बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। DLF की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं जहां पर अच्छा रुझान है, करीब 3% ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। BHEL देख लेते हैं जो कि लगातार चला भी है, कल भी 6% के स्पर्ट के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई थी, आज भी 1% ऊपर 164 के लेवल्स ये स्टॉक दिखा रहा है। भारतीय एयरटेल, आइडिया सेलुलर, कल भारतीय एयरटेल 3.5-4% बढ़कर बंद हुआ था, आइडिया में भी अच्छी रिकवरी हमने लोअर लेवल से देखी थी, अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं दोनों शेयर्स, आइडिया इनफैक्ट 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। ग्रासिम, AB नोवो, यहाँ पर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की वोटिंग की टाइमलाइन है वो डिसाइड हो गई है, 6 मार्च को ग्रासिम के शेयर होल्डर्स वोट करेंगे इस मेगा मर्जर को लेकर। और दोनों ही स्टॉक्स कल दिन के निचले स्तर पर बंद हुए थे, अभी बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन बायस पॉजिटिव है ग्रासिम में, 1/4% ऊपर है। AB नोवो में भी 0.5-1% की बढ़त आज के सेशन में देखी जा रही है। कुछ जो फंड एक्शन हुआ है उसमें एक मनापुरम फाइनेंस और प्रभात डेयरी हैं, दोनों में ही इनफैक्ट निर्मल फैमिली ने बाय किए हैं शेयर्स, प्रभात डेयरी के 42 लाख शेयर्स, और मनापुरम फाइनेंस में भी एक फंड हाउस की ओर से बाइंग की गई है। दोनों स्टॉक्स में अच्छा मूव है, मनापुरम फाइनेंस करीब 1.25% की बढ़त दिखा रहा है। रिटेल स्टॉक्स को भी देख लेते हैं जहां पर पिछले कुछ मंथ्स में जो वाइब्रेंसी है वो काफ़ी बड़ी है। DMart की आज एनालिस्ट मीट भी है, 8 मार्च को IPO ओपन होगा। फ्यूचर रिटेल आप देखिए 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है, कल हमने बात भी की थी मॉर्गन स्टैनले के टारगेट अपग्रेड की, 340 तक के टारगेट्स की बात कही है। बाकी रिटेल शेयर्स भी अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं, मंदाना रिटेल 1.5% ऊपर है, VMart में भी 1.25% की बढ़त अभी हम देख रहे हैं, 728 के लेवल्स हैं। V2 रिटेल एक और स्टॉक जो कि अच्छी मजबूती दिखा रहा है, 0.3% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं ऑटो शेयर्स भी, ऑटो सेल्स नंबर्स आ जाएंगे, माना जा रहा है कि जो टू व्हीलर सेल्स है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रह सकती है, लेकिन अच्छी मजबूती है हीरो मोटोकॉर्प में, करीब 1.5-2% ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो भी करीब 0.1% ऊपर है। TVS मोटर्स लगातार चला है, 52 वीक हाई पर ट्रेड भी कर रहा है, इसलिए कल भी थोड़ा शांत था ये शेयर और अभी भी 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। आयशर मोटर्स में 0.1% की मजबूती है। मारुति, टाटा मोटर्स, ये दो, इन दोनों कंपनियों के सेल्स नंबर्स फरवरी मंथ के अच्छे रह सकते हैं, 10% की ग्रोथ आ सकती है मारुति के सेल्स नंबर्स में, और टाटा मोटर्स को भी नए लॉन्चेस का फायदा हो सकता है, इसलिए सिक्वेंशियल और YY दोनों ही बेसिस पर 4% के आसपास की ग्रोथ वॉल्यूम्स में दिख सकती है। और ये टाटा मोटर्स इनफैक्ट करीब 1% के डिप आज के सेशन में दिखा रहा है। बिल्कुल। खैर, निफ्टी देखिए करीब 40 पॉइंट ऊपर है, सो टू दैट एक्सटेंट हमने जो बाकी एशियन क्यूज देखे थे उस तर्ज पर है मार्केट, 0.5% के आसपास की तेजी दिखा सकता है, लेकिन जो रियल टेस्ट होगा निफ्टी का वो 8968 8970 के आसपास आकर होगा, क्योंकि सीरियस करेक्शन निफ्टी ने पिछली बार जब दिया था यहाँ से लेकर जो वो ऑलमोस्ट 1500-2000 पॉइंट फिसला था वो इन्हीं लेवल से फिसला था, तो ये एक लेवल है जिस पर नज़र रखनी चाहिए, पर फिलहाल 8910 पर। राकेश, क्या कहेंगे ओपनिंग पर? मीर, काफ़ी पॉजिटिव ओपनिंग हुई है, और अगर मार्केट इन स्तरों पर क्लोजिंग लेने में भी
कामयाब हो जाता है जिसकी संभावना है, तो काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग होगी और ऊपरी स्तरों पर जिन लोगों ने शॉर्ट करा है वो फिर से ट्रैप होंगे और एक बार निफ्टी 8915-16 के ऊपर क्लोजिंग लेता है तब निफ्टी दोबारा से 9000 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ जाए।